हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल व्यापम गुरुजी। आज हम मैथ्स के टॉपिक से समय और दूरी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग प्रश्न बताएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार है। उससे पहले हम ऊपर के टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है जनरल फार्मूला, जिससे कि हम चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। अब x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे हम मीटर पर सेकंड में किस प्रकार से लिखेंगे, तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और y मीटर पर सेकंड है, तो उसे y इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं हम। अब प्रश्न क्या है भैया, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर की चाल से चार मिनट में कितने मीटर दूरी तय कर सकता है। अब जो किलोमीटर है उसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, किलोमीटर पर आवर है उसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करा तो 8 से हमने 18 से काटा, हम तो 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 5 45। अब ये 5 और 5 25 हो गए, 5 5 25/2, ये मीटर पर सेकंड में हो गया कन्वर्ट। अब ये 4 मिनट है, ये मिनट को सेकंड में करना है आपने को। अब मिनट को सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने, तो ये 4 का गुणा कर देंगे, उसमें 1 मिनट में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 × 60 सेकेंड्स, इतने सेकेंड हो जाएंगे 4 मिनट में। ठीक, अब हमारे पास में स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे, जैसे ये फॉर्मूला लिखा, चाल बराबर, चाल क्या अपना स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल इंटू टाइम, ये चीज स्पीड है, टाइम है। अब पुट कर देना डिस्टेंस बराबर में अपना स्पीड क्या है, 25/2 गुणित 4 × 60, 2 से काट दिया इसको तो 4 आ गया, ये 2 × 6 करेंगे, 60 में करेंगे तो ये हो गया मैं 25 ऐसी का ऐसी लिखो, और ये हो गया 120। अब 120 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3000 मीटर, ये मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड, मीटर तो सेकंड से सेकंड कट के ये मीटर बचेगा, डिस्टेंस हमारी होगी 3000 मीटर।